أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين أجمعين اللهم وفقنا لتفهم والتفحيم وقلدنا لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حضرين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات آج سب کو عید اللہ اکبر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں ناظرین حضرات ہمارے یہاں بہت ساری عیدیں ہیں جن میں کچھ عیدیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان معروف ہیں جیسے عید الفطر اور عید القربان جنہیں کافی جوش و خروش کے ساتھ خاص اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے لیکن ایک عید ایک خاص دن خاص عید جسے بالکل بھلا دیا گیا ہے وہ ہے عید غدیر جسے عید اللہ اکبر کہا گیا ہے یہ عید تمام انبیاء کی عید ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وعید اللہ اکبر وما بعث الله نبيا الا وتعيد في هذا اليوم یہ سب سے بڑی عید ہے اور ہر نبی نے اس عید کو خصوص اہتمام کے ساتھ خوشی منائی ہے اور اسے عید کا دن قرار دیا ہے ناظرین حضرات اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑی عید کیوں کیا فرق ہے اس عید میں اور دوسرے ایام میں جنہیں عید قرار دیا ہے عید الفطر اور عید القربان کی نماز قنوت میں ہم پڑھتے ہیں الذی جعلته للمسلمین عیدا کہ یہ وہ دن ہے خدا نے مسلمانوں پر عید کا دن قرار دیا ہے لیکن سارے عیدوں کو عید کا دن قرار دیا ہے لیکن عید غدیر کو عید اللہ اکبر کہا گیا ہے یعنی سب سے بڑی عید کہا گیا ہے کیا وجہ ہے سب سے بڑی عید کہنے کا اس کا جواب قرآن مجید کی آیا اکمال میں دیا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضعت لکم الاسلام دینا ناظرین حضرات اس آیہ مبارکہ میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہے پہلی چیز کفر کو مایوسی اب اسلام کو کسی کافروں سے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے ناظرین اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کفر مایوس ہوا کس طرح مایوس ہوا ایسا کیا ہوا کہ کفر مایوس ہو گیا
और शैतान और कुफ्र और शिर्क की कमर टूट गई। सबसे पहले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के दिन शैतान चीख मार कर गिरिया किया और कुफ्र और शिर्क गिरिया किया और हार गया। और लेकिन इसके बावजूद भी शैतानों को ये उम्मीद थी कि वो दोबारा से शिर्क और गुमराही और जलालत की गुमराही के अंधेरे होंगे। कब पैगंबर सलाम की वफात के बाद ये उम्मीद थी कि उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा कि ईद दोबारा दिया जाएगा कि कुफ्र और मायूसी फिर से दोबारा होंगे। लेकिन पैगंबर सलाम ने गदीर के दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन बनाया और कुफ्र उम्मत की और उम्मत की भागदौर इनके हाथों में दे दी। फिर से कुफ्र शदीद मायूस हो गया और शैतान बहुत अफसोस किया और मायूस हो गया। और दूसरी चीज इस आया मुबारका में बयान हो रही है ये कि आज के दिन दीन को तकमील कर दिया खुदावंद आलम ने आज के दिन, और इंसानी हिदायत के लिए जो नेमतें भेजना थी उन्हें नेमतों को मुकम्मल कर दिया। नाज़रीन अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है वो कौन से नेमतें हैं जो खुदा ने अब तक नहीं भेजी थी जो आप गदीर के दिन भेज दिया और दीन मुकम्मल हो गया। वो नेमत जो रसूल खुदा ने खुदा के हुक्म से गदीर के मैदान में पालानों के मिंबर पर हजरत अली के दोनों हाथों को बुलंद करके मन कुंतो मौला फहद अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं, हजरत अली को ये सवाल के मजमे के मैदान मजमे में ये कहा कि मन कुंतो मौला फहद अली मौला, यानी क्या ये कि हजरत अली की विलायत व इमामत दीन की तकमील बनी और जो नेमतें खुदावंद आलम ने अब तक नहीं भेजी थी वो नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अगर किसी के दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब ना हो और वो समझता हो मैं खुदा की इबादत करता हूँ और रोज़ा बजा लाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, जिहाद करता हूँ, कुंस देता हूँ, ज़कात देता हूँ, लेकिन ये सब सारी चीज़ें जब तक विलायत अली इब्न अबी तालिब अपने दिल में ना हो ये सब सारी चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। अगर विलायत अली दिल में ना हो तो सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। विलायत अली इब्न अबी तालिब हमारे दिल में मौजूद रहना, अगर ये चीज ना हो तो इंसान खसारे में है। विलायत अली इब्न अबी तालिब को खुदावंद आलम ने गदीर के मैदान में रसूल खुदा को हुक्म दिया कि आया बल्लिग नादिल हुई, ए रसूल अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया तुमने रिसालत का कोई कार्य खैर अंजाम नहीं दिया। यानी क्या रसूल 13 साल मक्का मुकर्रमा में हिजरत किए, मदीना मुनव्वरा में 10 साल हिजरत की यानी 23 साल हिजरत की, और क्या 40 साल इन सारी मेहनतों को खुदावंद आलम कह रहा है रसूल अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया तुमने रिसालत का कोई कार्य खैर अंजाम नहीं दिया। अब इससे पता चलता है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब
हमें कितना मुहिम है। इंसान को चाहिए कि विलायत अली इब्न अबी तालिब को अपने दिल में बसाए। अगर इंसान नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खून से पढ़ता है और विलायत अली ना हो, उसके आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। और सिर्फ विलायत अली इब्न अबी तालिब है लेकिन नमाज, रोजा, हक़ुल्लाह, खुन्नास नहीं है तो ये भी बेकार है। विलायत अली इब्न अबी तालिब के साथ साथ हक़ुल्लाह और हक़ुन्नास का भी होना जरूरी है। जितने हकायक हैं विलायत अली के साथ साथ ये हकायक का भी होना जरूरी है जो खुदावंद आलम ने इंसान के लिए करार दिया है। और आखिर में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम के खिदमत में, परवरदिगार इस मुख्तसर से आमाल को, खलील आमाल को कबूल फरमा, हम सब के गुनाह ने सगीरा और गुनाह ने कबीरा को माफ़ फरमा, आइंदा ना गुनाह करने की तौफीक न रहमत फरमा, हमारे वालदैन को गुनाह, हमारे वालदैन की गुनाहों की मगफरत फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मिशियान हैदर करार है उनकी जानो मालो इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है रबाब की उजड़ी हुई गोदी का, तुझे वास्ता है चेहमा अली असगर का, जो औलाद है उन्हें औलाद सालेह इनायत फरमा। परवरदिगार ये आलम वबा कोरोना वायरस से दुनिया, सारी दुनिया परेशान हाल है, जल्द अज जल्द इस वायरस को खात्मा फरमा। और अगर सारी दुनिया परेशान हाल है, इसका एक ही हल है, तेरे वलिया खास यूसुफ जहरा इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा, उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका समीउद दुआ وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.